तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका मेरा नया वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ वृंदावन के एक ऐसे मंदिर में जिसको आप देखकर बोलोगे कि यहाँ की कलाकृति कितनी अच्छी है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि ये मंदिर केवल भूतों के द्वारा बनाया गया है केवल एक ही रात में। क्या ऐसा पॉसिबल है ये तो पता नहीं है, लेकिन लोग यहाँ के लोग कहते हैं और भी लोग कहते हैं कि ये मंदिर केवल एक ही रात में बना हुआ था। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना, कमेंट करना। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए आप लोग, यहाँ की कलाकृतियों के देखकर आप भी बोलोगे कि वाह कितनी अच्छी यहाँ पे कलाकृति दिखाई गई है लोगों उनके द्वारा। बोलते हैं कि भूतों के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। अब ये कितना सच है ये तो नहीं पता। यहाँ की जो डिज़ाइन है, इसमें कलाकृति है, उनको देख के लगता है कि उन्हीं को बनाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन रातों रात इस मंदिर का बनना, इस तरीके के जंगले आना, ये एक अचंभे की बात है। लेकिन ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक रात में बनाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे जैसे कि आप डिज़ाइन देख सकते हो किस तरीके की कलाकृति की गई है, ऊपर इससे भी अच्छी और बढ़िया कलाकृति की गई है। मैं आपको बहुत डीपली तरीके से दिखाऊंगा, अभी पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पे ये अभी लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ अभी बंद है ये मंदिर, लेकिन लॉकडाउन खुलते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाते हैं। ये देखो, मेरे चैनल पर आप लोग बने रहना, मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी वृंदावन मथुरा के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी घूमने लायक जगह है मैं सारी आपको दिखाऊंगा मेरे ब्लॉग के थ्रू। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ये देखिए यहाँ पे, इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी डिजाइनें बनी हुई हैं इसके अंदर। अभी ये बंद है, अगर लॉकडाउन खुला होता तो मैं आपको दिखाता। लॉकडाउन में किसी भी मंदिर में भी जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर से ही शूट करने के लिए बोला उन्होंने, तो बाहर से ही शूट कर रहा हूँ मैं। ये देखिए आप लोग, कितनी अच्छी तरीके से कलाकृति गई है, इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके जो खंभे हैं वो बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं। इनके ऊपर डिज़ाइन देखिए आप इनकी डिज़ाइन जो देखोगे तो आजकल के जो इंजीनियर हैं, शायद मैं समझता हूँ उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इन डिज़ाइनों को बनाना। लेकिन ये खंभे और बहुत अच्छी तरीके से इस पर डिज़ाइन की गई है यहाँ पर, और आप देखोगे इसका सुंदर, इतना सुंदर नज़ारा है। आप एक बार ज़रूर आएँ, कभी भी आप मथुरा आएँ, मथुरा वृंदावन आएँ, और वृंदावन में ये माला मंदिर, भूतों का मंदिर बोलते हैं जिसको, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर आएँ और इसको देखें, देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मंदिर इतना अच्छा है, इसकी कलाकृति आप देखने लायक है, बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी ऊंचा बना हुआ है ये। और इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पर ये खंभे हैं, कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन लगी हुई है इनके ऊपर, और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आप कभी भी आओ तो एक बार ज़रूर इसको देख के जाना, बहुत अच्छा है। और प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियो है। और ये बहुत अच्छी तरह से ये बना हुआ है मंदिर। तो यहाँ पर ये देखिए सीढ़ियाँ इसमें अंदर जाने के लिए दे रखी हैं। यहाँ से इसके ये दाएं तरफ ये दरवाज़ा है, ये इस तरफ से यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन अभी ये बंद कर रखा है। और ये आप देख रही है, ये जो है ये आपको देखेंगे, ये एक इसी का पार्ट्स है, इसी मंदिर का, और ये हिस्सा है ये जो केवल साल में एक बार खुलता है, इसको बोलते हैं साल में सिर्फ एक ही बार खोलता है। और इसके नीचे अंदर, इसके अंडरग्राउंड में एक गुंडी है, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह है देखने के लिए उसके अंदर, पर ये साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, बहुत ज़्यादा उस समय ही भीड़ होती है, और ये जो खुलता है वो दिन है। यहाँ पर रंग जी का मेला लगता है मथुरा में, उससे दो दिन पहले ये जो है खुलता है, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है ये इसके अंदर देखने का, और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। और आप जब भी आएँ वृंदावन और एक बार इसको ज़रूर देख के जाएँ, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इसके जो आप देखेंगे खंभे, और ये इसके जो छत
सी है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ से ये देखिए पूरा दरवाजे इसके इतनी अच्छी तरह से बनाए हुए हैं।